भारतीय जनता पार्टी के पूर्व लीडर बाबूलाल पतंगा जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती विद्या देवी की आत्मिक शांति के लिए रखी गई रस्म क्रिया संपन्न हुई। इस मौके पर उनके सुपुत्र चंद्र गिल, किरण वाल्मीकि, विजय पतंगा एवं समाज के हर वर्ग के लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती विद्या देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर साहिल वाल्मीकि, राहुल गिल, विनीत कुमार, भारत गिल, ननु गिल, प्रिंस गिल, तरुण गिल, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया जी, चंदन गरेवाल, पवन बाबा, बंटू सबरवाल, विपन सबरवाल, हैप्पी संधु, विजय सहोता, नव विकास रिपू, अशोक भील, सुनील दत्त, बॉबी, रिम्पी कल्याण, मणि गिल, मणि कल्याण, गोरा गिल, यश सहोता, सोमा गिल, अक्षय सबरवाल, विनय सबरवाल, शांत खोसला, रिंकू खोसला, अमर कल्याण सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती विद्या देवी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। सुखदेव जी आए हैं तो उन्होंने द्वार पर ही उसको बोला कि आप यहीं रुकिए। तो शास्त्र विधान है कि 7 दिनों तक सुखदेव मुनि जी राजा जनक के द्वार पर खड़े रहे, परंतु उनको अंदर आने की अनुमति नहीं हुई। तो 5 दिनों के बाद राजा जनक को फिर खबर आई कि जो सुखदेव मुनि आपके द्वार पर आए थे आपसे मिलने के इच्छुक, तो वो वहीं पर खड़े हैं, स्थिर होकर के खड़े हैं, आपसे मिलना है। तो 7 दिनों बाद, 6 दिनों बाद फिर उन्होंने कहा कि उनको अंदर बुलाओ। द्वारपाल उनको आकर सहित अंदर ले आए। अंदर आकर के तब उन्होंने फिर राजा जनक के जहां उनका गृह प्रवेश था द्वार पर आकर के कहा, आप कहिए ये क्या आज्ञा है। लंबी उम्र होवे, स्वस्थ शरीर होवे, फरमा बरदार औलाद होवे, ऐसे व्यक्ति नु स्वर्ग दी कामना नहीं करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र है कि उसका स्वर्ग उसका घर परिवार है। माता विद्या देवी जी ते शास्त्र च लिखा हुआ कथन पूरा टुकड़ा है। 100 साल, 101 साल उम्र पाई, ऐनी उम्र जीना कलयुग च व्यक्ति की उम्र है 100 साल, पर कोई कोई पहुंचता है। पर अजकल ऐनी उम्र जीना सुपना हो गई, पूर्णता स्वस्थ रहे, फर्मा बरदार औलाद, 5 बेटे और 1 बेटी के रूप में पाए। माता जी ने अपने जीवन च घर संभालिया और उसका ही सदका है उन्होंने पति श्री स्वर्गीय बाबूलाल पतंगा जी व्यवसायिक कामों च, धार्मिक कामों च, राजनीतिक कामों च बढ़ पाए। यह परिवार है जिहड़ा जनसंघ दे विच पहले पहले परिवार है जिहड़े वाल्मीकि समाज तो पिता श्री द्वारा स्वर्गीय मनमोहन काली द्वारा जनसंघ नाल जुड़े। शोक सभा में बैठे उपस्थित सभी भगवान वाल्मीकि महाराज जी की कृपा के पात्र सखी और सब में विराजमान उस परम पिता परमात्मा का जो नूर है, जो छवि है, आज सभी इस शोक सभा में उस माता को श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु नाम संकीर्तन करके अपने जीवन की छवि को बड़ा पवित्र और आनंदित बनाया है।